अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप सब से सुबह एक कमिटमेंट की थी कि मैं आप सब से अपने जो वीकली प्लान्स हैं बिटकॉइन के, इथेरियम के, मैटिक के, ये तीन पेयर्स हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूँ, इन सब के प्लान्स मैं आप सब से शेयर करूँगा। उसके अलावा फॉरेक्स मार्केट की जो अपडेट होगी वो शेयर करूँगा, और लास्ट में डिस्कॉर्ड के हवाले से जो प्रीमियम डिस्कॉर्ड में न्यू मेम्बर्स आए हैं उन सबको एक गाइड वीडियो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। इसी में मैं गाइड एक दे दूँगा आप सबको, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो प्रोसीड करते हैं। आज सुबह हमने एक पोल किया व्हाट्सएप ग्रुप में कि शुड आई गो लाइव या फिर आप सबको रिकॉर्डेड चाहिए, तो 34 पीपल वोटेड फॉर रिकॉर्डेड ऑन यूट्यूब। तो इसलिए जो है मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, कमिटमेंट मेरी 10 AM थी की थी, लेकिन एक वीडियो मैंने बनाई थी, 26 मिनट की रिकॉर्डिंग थी जो कि वेस्ट हो गई है कुछ एरर्स की वजह से। तो आई कीप दिस वन शॉर्ट, ठीक है, ताकि आप सबको अपडेट एज सून एज पॉसिबल मिल जाए। तो प्रोसीड करते हैं। BTC के जो वीकली हाईज एंड लोज हैं, रेंज है, वो मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। वीकली हाईज एंड लोज मार्क करने के बाद अब सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं, हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है कि डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइसेस कहाँ पे हैं इस वक्त, वेयर वी आर राइट नाउ, बात करने का मकसद ये है, ठीक है। तो हम इस वक्त रेंज हाई पे हैं, आप सबके सामने हैं, रेंज हाई पे हैं। हमने SFP कर लिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि मैंने पहले भी शेयर की थी ये चीज़ की जो शॉर्ट्स एग्जीक्यूट हुई थी ना। मैं अगर 4 आवर के चार्ट पे आके इसको ज़रा बिगर पिक्चर पे आप सबको दिखाऊं, तो यहाँ पे गौर से देखें। पहले BTC ने इन शॉर्ट्स को टारगेट किया, फिर इन इन शॉर्ट्स को टारगेट किया, फिर इनको, और ये आखिरकार ये शॉर्ट्स भी स्वीप हो गए। तो एक कोट मैं यूज़ करता हूँ, आप सबसे शेयर करता हूँ, मल्टीपल टाइम्स मैं बोल चुका हूँ इस चीज़ को कि वेन एवर दे आर डन विद द शॉर्टर्स दे विल ओपन न्यू शॉर्ट्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, जहन में रखें ये चीज़। और अभी प्रीवियस रिकॉर्डिंग में यही चीज़ मैंने मेंशन की थी कि इंटरनली जो है हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, तो हम ऊपर की तरफ एक रिलीफ ले सकते हैं 30,500 तक, जो कि अभी हो रहा है, ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है। इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक्सटर्नली थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आप सबसे अपना प्लान भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 आवर का चार्ट सबसे बेहतर रहेगा एक स्विंग ट्रेड प्लान के लिए, तो मैं इसी को फुल स्क्रीन करके यहाँ पे आप सबसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एरिया है ये एक की SR की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस डाटा में एक सप्लाई भी है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है आप सबके सामने है, ठीक है। और हमारे पास एक MSB एरिया भी है, स्मार्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना, तो वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इस एरिया में हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे एरियाज कौन कौन से हैं वो मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है, लास्ट में चार्ट पैटर्न्स पे आएंगे। पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है ओवरऑल हमें एक पुल बैक चाहिए। वैसे भी फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची इस तरह से, तो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो लाइक स्टार्टिंग जहाँ से होती है ना, जो मिनिमम पुल बैक रीजन होता है जहाँ से हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं, नॉट इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन एरर, फर्स्ट जो एंट्री है जहाँ से हम ले सकते हैं वो 0.382 है, लेकिन पुल बैक कन्फर्मेशन के बाद। तो मैं आपको एक जोन दे देता हूँ, ठीक है, 0.382 से लेके 0.618 तक, ये पूरा मैंने आपको एरिया दे दिया। यहाँ पे इसके दरमियान मैं आप सबको अपडेट भी करूँगा जब प्राइसेस आएंगी यहाँ पे, और आएंगी मोस्ट प्रोबली, ठीक है। तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं, और यहाँ से हम पुल बैक एक्सपेक्ट करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार ये चीज़ शेयर की थी कि मिड रेंज से, ये याद रखें, एक्सपीरियंस बेस्ड बात बता रहा हूँ, जब जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ऊपर की तरफ और इस तरह से SFP हो जाए और प्राइस पुल बैक कर रही हो, ठीक है, तो प्राइस ने ज़्यादा नीचे नहीं आना होता। जो यहाँ से लॉन्ग्स एग्जीक्यूट हुए ना यहाँ से, ठीक है, ये इस फेकआउट के बाद, तो वो स्वीप हो जाएंगे मिड रेंज तक, उसके सारे स्टॉप लॉस उनके चले जाएंगे। तो मिड रेंज से एक अच्छा पुल बैक हमें नज़र आ सकता है। तो ट्रेड को प्लान कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं इसको। लॉन्ग पोजीशन टूल लगा लेते हैं कि फिलहाल मिड रेंज पे शार्प में लगा लूंगा, बाकी एग्जीक्यूशन के बाद हम डिसाइड कर लेंगे ना, ठीक है।
अब एक लास्ट रीज़न मैं आप सबको दे रहा हूँ, CHOCH हो चुका है, यस हो चुका है, यहाँ पे मुझे एक बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है, XABC एंड डी, डी लेग इसकी यहाँ पे थी, ठीक है, और ये SFP होना ज़रूरी था, तो फिर मार्केट जो है चार्ट पैटर्न्स को रिस्पेक्ट नहीं देती, याद रखें ये चीज़, मार्केट चार्ट पैटर्न्स को फिर रिस्पेक्ट नहीं देती जब बिगर पिक्चर पे प्राइस एक्शन ने या स्मार्ट मनी ने प्ले आउट होना होता है, ठीक है। तो जो शार्क पैटर्न था उसका C to D लेग अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, या यहाँ पे तो स्विंग हाई हमने करना है कवर, तो वही मार्केट स्ट्रक्चर वाली बात यहाँ पे भी आ जाती है कि हमें 0.5 तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करना है, ठीक है, जो कि 0.382 और 0.618 के दरमियान का एरिया है। तो न्यूट्रल लेवल भी है, की SR की तरह प्ले आउट भी हो सकता है, MSB भी यहीं पे हुआ है, एक की लेवल है यू कैन कॉल इट, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा न्यू लॉन्ग ओपन करना, ठीक है। मैंने ओवरऑल आपको प्लान एक्सप्लेन कर दिया, इतना इन डेप्थ डिफाइन कर दिया, ठीक है। अपसाइड मूव हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अपसाइड मूव के लिए मैं बिगर पिक्चर पे थोड़ा आऊँगा, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम आए ना, तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई न्यू हायर हाई बनने जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ करूँगा, तो मैं न्यू हायर हाई तक तो नहीं करूँगा क्योंकि ये ट्रेड मुझसे मिस हुई है पर्सनली, मैंने सबसे पब्लिकली शेयर किया है, ठीक है, मुझसे भी ट्रेड्स मिस होती हैं, सिर्फ आपसे नहीं होती। तो इन मूव्स को हमने कैश किया था, इसको इसको इन दोनों पैराबोलिक मूव्स को इन ब्यूटीफुल वे लेवल टू लेवल, तो इसको अब इसके बाद हम लेवल टू लेवल जो है वो ट्रेड करेंगे, किस तरह से करेंगे वो मैं बता देता हूँ। फर्दर अगर हम देखें तो इस ट्रेड के टारगेट्स के लिए मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँगा ABC, ठीक है, और एक्सटेंशन में मैं गोल्डन पॉकेट तक एक्सपेक्ट करूँगा प्राइसेस, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स एरिया आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो मेरे से डिफरेंट है, आपका स्टॉप लॉस मेरे से डिफरेंट होगा, आपका पोजीशन साइज सब चीज़ें डिफरेंट हैं, तो इस मिथ में नहीं आना कि आप जो है बस जो मैं कर रहा हूँ उसी चीज़ को फॉलो करो, अपनी ट्रेड को अपने रिस्क को मैनेज करना सीखें, ठीक है। तो ये 4 आर पे मेरे प्लान्स हैं BTC पे, और इंट्राडे पे मैं अभी फ़िलहाल ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, स्कैल्प्स वगैरह अगर मिलती हैं तो करूँगा, वरना इंट्राडे पे मेरा कोई इरादा नहीं है अभी फ़िलहाल ट्रेड करने का। मैं अगर 3 मिनट या 15 मिनट के शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, 4 आर का मैंने आप सबको प्लान दे दिया है, समझ नहीं आई दोबारा से देख लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल हाइज थे वो स्वीप हो चुके हैं ऑलरेडी, ओके, यहाँ पे ये जो इक्वल हाइज थे वो स्वीप हो गए हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, और उसके अलावा जो है अभी फ़िलहाल मज़ीद भी पंप आ सकता है, ठीक है, 600 के एरियाज़ को हम टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ फिर उसके बाद आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेट करें, चेंज ऑफ करेक्टर तो हो चुका है हमारा, और हमारा गोल्डन पॉकेट इसके मुताबिक क्या होगा, ठीक है, ये हमारा गोल्डन पॉकेट है, 664 का एरिया आ रहा है फिबोनाची के मुताबिक। तो ये डिटेल्स हैं, ये ओवरऑल बिटकॉइन की अपडेट है, ठीक है, इंटरनली अभी आपको ये वैसे भी मिल जाएगी अपडेट, तो इंटरनली आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, मैं पर्सनली तो नहीं करता, तो ऐसे नहीं कि लिमिट लगा के शॉर्ट कर लें, ठीक है, कन्फर्मेशन पुल बैक कन्फर्मेशन के बाद आप यहाँ तक इसको कर सकते हो लेवल टू लेवल, ठीक है, जैसे कि लोअर लो बना, ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दी, लोअर हाई बना यहाँ पे क्लोज कर दी, लोअर लो बना क्लोज कर दी, लोअर हाई बना क्लोज कर दी, तो लॉन्ग शॉर्ट करके इस तरह से अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैं पर्सनली जो है लॉन्ग्स में सिर्फ इस तरह से रिलीफ को ट्रेड करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो ये मेरा मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये ओवरऑल बिटकॉइन की अपडेट है। अब हम चलते हैं इथेरियम पे, इथेरियम पे जो है मैंने ऑलरेडी अभी जो मैंने आपसे शेयर किया कि मेरी एक रिकॉर्डिंग ज़ाया हुई है, तो इट्स फाइन, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया था, मैं क्विक्स रखूँगा इसको, ठीक है, ताकि आप सबके लिए आसानी हो। इथेरियम बिफोर गोइंग डाउन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हाइज ले जाए, ये हाइज ले जाए, ठीक है, सो लेट्स सी, इथेरियम यूजुअली बिटकॉइन को ओवर परफॉर्म करता है, अगर बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेशन कर लेता है ना 30,600 के ऊपर, तो ये हाइज जो हैं स्वीप हो सकते हैं, फिर मिड रेंज से मुझे एक एक्सपेक्टेशन है मेरी कि ये डाउन साइड मूव लेगा, ठीक है, एक छोटा सा लोअर लो मोस्ट प्रोबली बन सकता है, यहाँ पे हम एक पैटर्न भी देख सकते हैं,
यस इट इज़ अ गार्टले। तो एक लोअर लो अगर बनता है तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। ठीक है, यहाँ पे को रिलेट कर रहा है 7, 8, 6, 7, 8, 4। ठीक है, लोअर लो, और फिर उसके बाद जो है बिटकॉइन के साथ ये भी उठेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इथेरियम से, और मेटिक को मैं इथेरियम और बिटकॉइन के साथ देखते हुए, स्पेशली बिटकॉइन के साथ देखते हुए ट्रेड करना चाहूँगा। इसमें अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है और बिटकॉइन स्टेबल रहता है जैसे कि मैंने इथेरियम के केस में बात की, तो फिर इसमें जो है हम अच्छे से इसको ट्रेड कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन लिक्विड। ये जो अभी मैंने रिकॉर्डिंग की थी ये उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, 26 मिनट की रिकॉर्डिंग थी लेकिन वो ज़ाया हो गई है, बट खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो ये क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल अपडेट थी, आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है इन डिटेल। अब आप ऐसे करें, नेक्स्ट जो काम है आपका वो आप इस तरह से करें कि रिकॉर्डेड दोबारा से देख लें ताकि आपको प्लान समझ आ जाए, अगर समझ नहीं आए ठीक है, और लेवल्स अपने मार्क कर लें सेम जिस तरह से मैंने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, चलें अब चलते हैं हम फॉरेक्स मार्केट की शॉर्ट सी अपडेट की तरफ। तो फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं, डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, हम DXY देख लेते हैं सबसे पहले। DXY जो है इस वक्त इंटरनली थोड़ा सा बुलिश हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनली बुलिश हो रहा है, अभी हम टेम्पररी थोड़ा सा पेन देखेंगे, टेम्पररी डाउनसाइड मूव आए इसमें। ठीक है, और यहाँ तक ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था प्रीवियस रिकॉर्डिंग में, हायर लो बने देन इसके बाद ये पंप करे। अगर टेम्पररी इंटरनल लाइक वो रिलीफ आना है ना, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ओके, हम मिड रेंज पे भी हैं इस वक्त, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अब हम सीधा आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड के एनालिसिस या ट्रेड प्लान सब चीज़ें तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ क्विक सा आपको एक इंट्राडे प्लान बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी मेंशन किया था प्रीवियस अपडेट में जो रिकॉर्डिंग ख़राब हुई है हमारी। तो गोल्ड जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पंप करे उसके बाद। ठीक है, मतलब कि जब DXY डंप करेगा ना अभी, तो ये हायर हाई बनाएगा जो कि यहाँ तक आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ये 1.618 का एरिया है, ये 1.13 का एरिया है। मैं 1.618 का ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वी हैव अ ब्यूटिफुल फेयर वैल्यू गैप हेयर, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि फिल हो जाए। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं गोल्ड से, और इसको लॉन्ग किया जा सकता था लेकिन मिस हो गई है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपडेट की तरफ। ठीक है, ओवरऑल यूरो, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, यूरो के मैंने न्यू प्लान शेयर नहीं किए। ठीक है, लेकिन यूरो भी थोड़ा रिलीफ लेके डंप करेगा दोबारा से। ये रिलीफ जो है ये USDT डोमिनेंस की वजह से आ रहा है। ठीक है, GBP JPY के मैंने न्यू प्लान्स, इस प्लान के बाद मैंने कोई शेयर नहीं किया इस ट्रेड के बाद। ठीक है, ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह प्रीमियम में। ठीक है, USDJPY की अगर हम बात कर लें तो ये ट्रेड जो है अभी रनिंग में है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, एक स्विंग मैंने शेयर की थी आप सबसे इन प्रीमियम, और स्टॉप लॉस अभी स्टिल हिट नहीं हुआ। ठीक है, ये देखें स्टॉप लॉसेज मेरे स्ट्रांग होते हैं हमेशा, आपको पता है ना कि मेरे स्टॉप लॉसेज स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत मुश्किल से हिट होते हैं अगर बात की जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, अभी USD थोड़ा सा ख़राब होगा तो ये भी उसके साथ साथ ख़राब होगा, आर्ली चार्ट पे डाउन साइड मूव लेगा मजीद। ठीक है, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब हम चलते हैं गाइड पे। मैंने एक कमिटमेंट की थी आप सबसे कि जो स्पेशली न्यू मेंबर्स आए हैं डिस्कॉर्ड में, उन सब के लिए एक छोटी सी गाइड वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसी में मैं कवर कर रहा हूँ। जो न्यू मेंबर्स आते हैं वेरीफाई करने के बाद आपने डायरेक्टली आना है वेलकम पे, और ये सारे चैनल्स भी एक्सप्लोर कर लेने हैं। सोशल्स में आपको लिंक्स वगैरह इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएं, फेसबुक ग्रुप और लिंक्डइन प्रोफाइल सब चीज़ें। ठीक है, रिव्यूज़ में आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, विल कीप इट ट्रांसपेरेंट, वो डिलीट नहीं होगा, रिलैक्स। डिस्क्लेमर में आकर डिस्क्लेमर रीड करना मस्ट है। डेली अपडेट्स में आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स और वीडियोस जो मैं जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये मिलती हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट्स में अगर हम आते हैं तो अनाउंसमेंट में रिसेंटली मैंने अनाउंस किया था, एक अपडेट मैंने दी थी, एक ऑफर दी थी आप सबको इसी पे, और जनरल डिस्कशन में आप वैसे जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। सब स्टूडेंट देखें ट्रेड आइडियाज सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ट्रेड आइडियाज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह और फेलियर सक्सेस सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ट्रेड सेटअप्स ये सारी चीज़ें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय द वे डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए।
ट्रेडिंग बैचेस, हर मंथ हमारा एक बैच होता है, बैच 8 स्टार्ट होने वाला है, अगर आप इनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये अपडेट्स हैं। और जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उन सब के लिए अपडेट ये है कि आप लोग जो हैं प्रीमियम गाइड में हो, डिस्क्लेमर रीड करना मस्ट है, ठीक है, फ़र्ज़ है आप पे, इसको नहीं छोड़ना आपने, इग्नोर नहीं करना। न्यू मेंबर्स गाइड, इसमें कुछ एडिटिंग भी है, वो भी हमने करनी है, तो सोन इंशाल्लाह वो हम कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अब क्रिप्टो के जो सेटअप्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो तो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं ना, ठीक है। प्रीमियम डिस्कशन इसमें आप कर सकते हैं, BTC सेटअप्स, ईथ सेटअप्स, मैटिक, इन तीनों को मैं खुद करता हूँ, इन्हीं की मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। इंट्राडे क्रिप्टो के जो एनालिसिस होते हैं वो बिलाल आप सबसे शेयर करते हैं डेली बेसिस पे, और माशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग स्मूथ, ठीक है। फॉरेक्स की साइड पे आते हैं, डिस्क्लेमर आपने रीड कर लेना है, फॉरेक्स हम खुद ट्रेड नहीं करते, तो डिस्क्लेमर आपने रीड कर लेना है ये वाला, ठीक है। जो प्रीमियम रिसेंटली जिन्होंने प्रीमियम ज्वाइन किया ऑफर के बाद, फॉरेक्स डिस्कशन यहाँ पे होती है, वीकली डेली बाइस यहाँ पे होते हैं, गोल्ड यूरो GBP USD JPY यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारे वीकली 3 सेशंस होते हैं ना वीकली बेसिस पे प्रीमियम में, वो यहाँ पे शेड्यूल, अनाउंसमेंट और लिंक्स होती हैं, और यहाँ पे रिकॉर्डेड अवेलेबल होता है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर और किसी की कोई क्वेरी नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अभी के लिए हम वाइंड अप करेंगे, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। वसलाम।